स्वर्गवासी इरफान खान के बेटे बाबिल खान अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से बाबिल अपने पिता की तरह ही दिलवाले होने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। भले ही इरफान अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनके फैंस को बाबिल को देखकर उनकी याद आती है। इरफान की हाल ही में डेथ एनिवर्सरी थी और बाबिल ने कुछ ऐसा कर दिया कि उनके फैंस को उन पर गर्व होने लगा है। इतना ही नहीं बल्कि किसी और ने इस बारे में बताया कि अब सोशल मीडिया पर एक्टर की जमकर तारीफें हो रही हैं। बाबिल की एक एनजीओ को 50,000 डोनेट करने की बात सामने आई है। खास बात यह है कि जिस दिन बाबिल ने ये डोनेशन दिया उस दिन इरफान खान का जन्मदिन था। साथ ही बाबिल ने ये डोनेशन प्लान भी नहीं किया था। बता दें कि जब बाबिल एयरपोर्ट पर थे तो पेपराजी उनको स्पॉट कर रहे थे, तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने बाबिल को बताया कि वो एक एनजीओ चलाते हैं। तो थोड़ी देर बाद बाबिल ने उन्हें 50,000 डोनेशन दिया। वहीं बाबिल ने उन्हें डोनेशन देते हुए कहा कि उनका नाम हाईलाइट ना करें और ऐसे ही काम करते रहें। वायरल वीडियो में उस व्यक्ति ने भी कमेंट किया जिसके एनजीओ को ये डोनेशन दिया गया। कमेंट में उसने लिखा कि डियर बाबिल खान, मैं आपके सपोर्ट के लिए आपको थैंक यू कहता हूँ। आपका ये नेक काम मेरे लिए बड़ी बात है। आपके दिए हुए 50,000 रुपए पानी की तंगी से जूझ रहे लोगों के काम आएगा। एक अच्छा एग्जाम्पल बनने के लिए शुक्रिया। आपके सपोर्ट से हमें एक बेहतर कल की आशा जागी है। बाबिल की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो बाबिल ने अपने करियर की शुरुआत तृप्ति डिमरी के साथ की थी। फिल्मी काला से ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज की गई थी। इसके बाद वो फ्राइडे नाइट प्लान और लास्ट वो द रेलवे मैन में नजर आए, जिसमें आर माधवन, के मैनन, जूही चावला और देवेंद्र भी अहम किरदार में थे। अब बाबिल फिल्म द उमेश क्रिमिनल्स में नजर आने वाले हैं, जिसे सुजीत सरका बना रहे हैं और उसमें अमिताभ बच्चन भी होंगे।